तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ट्रेन में जो अलग अलग जो स्विच गियर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और आर्नो कन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आर्नो कन्वर्टर और स्विच गियर ही हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट होता है हमारी ट्रेन में, जिससे पूरी ट्रेन बनी होती है, वो होता है कॉन्टैक्टर, राइट। तो कॉन्टैक्टर क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्टर, इट इज़ अ स्विच टू स्विच ऑन एंड ऑफ पावर सप्लाई अंडर लोडेड कंडीशन। तो पावर सप्लाई को लोडेड कंडीशन में अगर हमें स्विच ऑन या फिर ऑफ़ करना हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। पावर का फ्लो भी कंटिन्यूसली होगा और वो कंटिन्यूस पावर फ्लो में अगर हमें स्विच ऑन और ऑफ़ करना है, स्विचिंग एनालिसिस करना है, तो हम लोग बेसिकली कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं, राइट। कॉन्टैक्टर है क्या, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है यूज़ फॉर हैवी लोड। जो कॉन्टैक्टर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच हैवी लोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और ये बेसिकली स्मूथ यूज़ फॉर स्मूथ पावर फ्लो इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में स्मूथ पावर फ्लो के लिए हम लोग बेसिकली कॉन्टैक्टर को यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है हैवी लोड के लिए यूज़ करते हैं और लोडेड कंडीशन में अगर हमें पावर को स्विच ऑन और ऑफ़ करना हो तो हम लोग कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉन्टैक्टर होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, यह हमें पता है। अब कॉन्टैक्टर के टाइप क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि फोर पोल कॉन्टैक्टर होता है, थ्री पोल कॉन्टैक्टर होता है। फोर पोल कॉन्टैक्टर में हमें चार पोल मिलते हैं आर वाई बी एन, और जो थ्री पोल कॉन्टैक्टर है उसमें हमें तीन पोल मिलते हैं आर वाई बी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्टर की सर्किट हम लोग सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्टर की सर्किट, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर ये हमने बेसिकली हमारे बेसिकली फेसेस कंसिडर किया है या फिर पोल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये आर वाली फेस, यहाँ पर ये वाई वाला टर्मिनल, यहाँ पर ये बी वाला टर्मिनल, यहाँ पर ये न्यूट्रल वाला टर्मिनल, यहाँ पर ये आउट गोइंग है, यहाँ पर ये इनकमिंग है। ये वाली जो लाइन है ये इनकमिंग है, ये वाली जो लाइन है ये इन आउट गोइंग है। अभी यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर काम कैसा करता है, यहाँ पर ये मैंने कंसिडर किया ये है इंडक्टर, और यहाँ पर ये मैंने एसी सप्लाई 230 वोल्ट कनेक्ट किया। जैसे मैं ये एसी सप्लाई 230 वोल्ट प्रोवाइड करूँगा ये इंडक्टर को, तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये क्या करेगी, सारे कॉन्टैक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सारे कॉन्टैक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी, जिसकी वजह से होगा कि सारे जो हमें जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहे हैं क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, और जैसे ही क्लोज्ड हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कॉन्टैक्ट एंड जो सर्किट होगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज्ड हो जाएंगी। हम यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्टर में बेसिकली आग क्वेंचिंग चेंबर भी होता है, हमें पता होना चाहिए जो कॉन्टैक्टर है इसमें बेसिकली आग क्वेंचिंग चेंबर भी होता है। अब ये कॉन्टैक्टर और सर्किट ब्रेकर में डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर और सर्किट ब्रेकर, जो कॉन्टैक्टर है बेसिकली इसको हम लोग स्मॉल करंट रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट, और हैवी लोड के लिए यूज़ करते हैं, और जो सर्किट ब्रेकर है इसको हम लोग बेसिकली हैवी करंट रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सर्किट ब्रेकर अगर हम लोग देखें कितने करंट तक के यूज़ करते हैं, 5000 एम्पियर तक करंट के लिए यूज़ करते हैं, और जो कॉन्टैक्टर है उसको हम लोग 15 एम्पियर करंट तक के यूज़ करते हैं। जो कॉन्टैक्टर है इसमें आग क्वेंचिंग मैकेनिज्म होता है, जो सर्किट ब्रेकर है इसमें भी आग क्वेंचिंग मैकेनिज्म होता है। यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्टर है बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, बट जो सर्किट ब्रेकर है फॉल्टी कंडीशन में काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में अगर पावर को स्विच ऑन और ऑफ कराना हो तो ऐसे केस में कॉन्टैक्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो सर्किट ब्रेकर है बेसिकली फॉल्टी कंडीशन में काम करता है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कॉन्टैक्टर के टाइप के बारे में बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप कॉन्टैक्टर होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप कॉन्टैक्टर होता है, कैम एंड रोल, यहाँ पर ये CAM है, कैम एंड रोल ऑपरेटेड कॉन्टैक्टर होता है, राइट। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर कैसा कॉन्टैक्टर होता है, बेसिकली एयर प्रेशर के थ्रू इसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं क्लोज्ड और ओपन होते हैं, राइट। कैम एंड रोलर ऑपरेटेड कॉन्टैक्टर ये बेसिकली मैकेनिकल टाइप का कॉन्टैक्टर होता है, जो कि बेसिकली जो डीजल लोकोमोटिव होता है ट्रेन का वहाँ पे लगा होता है, उसके भी बारे में हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे। डीजल लोकोमोटिव, कैटेनरी मेंटेनेंस व्हीकल, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसमें चार पोल का होता है और इसमें थ्री पोल का होता है, फोर पोल और थ्री पोल। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें रिले, यहाँ पर ये रिले क्या होता है, जो रिले होता है ये बेसिकली फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है, फॉल्ट को सेंस करने का काम करता है, राइट। रिले इज़ अ फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस एंड इट कंटिन्यूसली मॉनिटर नॉर्मल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। जो रिले होता है ये बेसिकली फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस होता है और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है करंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को। करंट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरीके का चेंज होता है तो ऐसे केस में जो रिले कमांड भेजता है सर्किट ब्रेकर को, और जो सर्किट ब्रेकर है सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें
हमारी जो ट्रेन है उसमें बेसिकली अलग अलग टाइप के रिले लगे होते हैं, जैसे कि लाइन ओवरलोड रिले हो गया, ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले हो गया, राइट, रेक्टिफायर सर्किट ओवरलोड रिले हो गया, पावर सर्किट अर्थिंग रिले हो गया, तो सारे रिले के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं लाइन ओवरहेड रिले। लाइन ओवरहेड रिले प्रोवाइड कॉन्स्टेंट 25 kV इनपुट टू द ट्रांसफार्मर। ये जो लाइन ओवरहेड रिले ये क्या करता है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर में 25 kV कॉन्स्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। और उसके बाद ट्रैक्शन ओवर वोल्टेज रिले कंटिन्यूसली मॉनिटर इनपुट वोल्टेज ऑफ मोटर। अब ये ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले तो ये ट्रैक्शन मोटर के साथ ही एसोसिएटेड होगा, तो ये ट्रैक्शन मोटर ओवर वोल्टेज रिले कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है मोटर के इनपुट वोल्टेज को, तो कंटिन्यूसली मॉनिटर इनपुट वोल्टेज ऑफ मोटर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें रेक्टिफायर सर्किट ओवरलोड रिले कंटिन्यूसली मॉनिटर इनपुट वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर सर्किट ओवरलोड रिले ये बेसिकली जो रेक्टिफायर होता है उसका जो इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट वोल्टेज होती है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है। अगर इनपुट वोल्टेज में अगर चेंज होगा तो ऐसे केस में ये बेसिकली सिग्नल भेजेगा सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप कर देगा। फिर उसके बाद पावर सर्किट अर्थिंग रिले। पावर सर्किट अर्थिंग रिले प्रिवेंट पावर सर्किट फ्रॉम अर्थिंग, इट इज़ यूज अलॉन्ग विद ELCB। जो पावर सर्किट अर्थिंग रिले होता है इसको हम लोग बेसिकली जो पावर सर्किट अर्थिंग रिले होता है ये बेसिकली पावर सर्किट को बेसिकली अर्थिंग से प्रोवाइड करता है। नाम से आदि से आदि चीज़ हमें पता चल रहा है पावर सर्किट अर्थिंग रिले। ये जो पावर सर्किट अर्थिंग रिले होता है ये बेसिकली पावर सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, किससे, अर्थिंग से प्रोवाइड करता है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके साथ, ELCB के साथ। फिर उसके बाद रिग्रेशन रिले। रिग्रेशन रिले कंटिन्यूसली सेंस वेदर ट्रेन इज अंडर ऑपरेशन और नॉट, बर्निंग ब्रेकिंग दिस रिले विल गेट एक्टिवेट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो रिग्रेशन रिले होता है ये कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है कि ट्रेन हमारी ऑपरेशन में है या नहीं है, राइट। यहाँ पर ये बर्निंग नहीं है, ड्यूरिंग है, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो रिग्रेशन रिले ये कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है कि ट्रेन हमारी ऑपरेशन में है या नहीं। अगर ब्रेकिंग अगर लगता है ड्यूरिंग ब्रेकिंग तो ये जो रिले होता है ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद अभी बात करते हैं आर्नो कन्वर्टर, आर्नो स्टार्टिंग रिले। आर्नो स्टार्टिंग रिले इज़ यूज इन आर्नो कन्वर्टर बात करेंगे। जो आर्नो स्टार्टिंग रिले बेसिकली हम लोग आर्नो कन्वर्टर में यूज़ करते हैं, और जो आर्नो कन्वर्टर होता है बेसिकली सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करता है। आर्नो कन्वर्टर कन्वर्ट सिंगल फेज टू थ्री फेज। और ये जो रिले होता है दिस रिले आइसोलेट स्टार्टिंग सर्किट ऑफ आर्नो कन्वर्टर एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो आर्नो स्टार्टिंग रिले होता है इसको हम लोग आर्नो कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। आर्नो कन्वर्टर होता है कि आगे बात करेंगे, बेसिकली सिंगल फेज को थ्री फेज में कन्वर्ट करता है। और ये जो रिले होता है आर्नो कन्वर्टर स्टार्टिंग रिले ये क्या करता है, जो आर्नो कन्वर्टर की जो स्टार्टिंग सर्किट होती है उसे क्या कर देता है, आइसोलेट कर देता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू पर। जो अर्नो कन्वर्टर की जो स्टार्टिंग सर्किट होती है उसे आइसोलेट करने का काम करता है अर्नो स्टार्टिंग रिले। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग एक्साइटेशन ओवरलोड रिले। ब्रेकिंग एक्साइटेशन ओवरलोड रिले ये ऑपरेट होता है जब एक्साइटेशन करंट ज़्यादा हो जाता है, राइट। एक्साइटेशन करंट अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे कि इसमें जो वाइंडिंग है वो क्या हो जाएंगी, डैमेज होने के चांसेज होते हैं, वाइंडिंग डैमेज होने के चांसेज हो जाएंगे, राइट। एक्साइटेशन करंट अगर ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो ऐसे कि इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगी। तो ब्रेकिंग एक्साइटेशन ओवरलोड रिले ये बेसिकली तभी ऑपरेट होगा जब एक्साइटेशन करंट ज़्यादा हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या करता है, हमारी वाइंडिंग जो होती है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग देखें अलार्म चेन पुलिंग रिले ये तभी एक्टिवेट होगा जब हमारी चेन पुलिंग होगी। अलार्म चेन पुलिंग रिले एक्टिवेट ड्यूरिंग चेन पुलिंग के टाइम ये रिले ऑपरेट होगा, और ये बेसिकली कमांड भेजेगा किसको, ट्रेन ऑपरेटर को। तो अभी बात करेंगे अर्नो कन्वर्टर के बारे में और सेल्सन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो अर्नो कन्वर्टर होता है ये करता है क्या, बेसिकली सिंगल फेज को थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अभी हमारी ट्रेन में थ्री फेज सप्लाई की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेन में बहुत सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होता है, जैसे कि हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर जो कि कंप्रेस्ड एयर बनाता है। फिर उसके बाद हम वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है, मतलब AC होती है। फिर ट्रेन का लाइटिंग सिस्टम होता है, राइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्पीकर सिस्टम होता है जो कि अनाउंसमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद स्मोक डिटेक्टर होता है, फायर अलार्म सिस्टम होता है, फायर डिटेक्टर होता है। तो ये सारे के सारे है क्या, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, यहाँ पर ये ऑक्सिलरी इक्विपमेंट को बेसिकली थ्री फेज सप्लाई चाहिए होती है, और हमारे पास तो सिंगल फेज सप्लाई जो कि OHE से आ रही है, तो सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने का काम
कौन करता है, अर्नो कन्वर्टर। तो जो अर्नो कन्वर्टर है सिंगल फेज सप्लाई को थ्री फेज सप्लाई में कन्वर्ट करता है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो OHE की जो सप्लाई है वो सिंगल फेज है, और मोटर को चलाने के लिए, ब्लोअर को चलाने के लिए, VAC को चलाने के लिए थ्री फेज सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं अर्नो कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये जो अर्नो कन्वर्टर है बेसिकली स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अर्नो कन्वर्टर के इनपुट में सिंगल फेज आता है 380 वोल्ट या फिर जिसमें प्लस माइनस 20% का वेरिएशन होगा, और अर्नो कन्वर्टर का जो आउटपुट होता है ये हमें बेसिकली थ्री फेज देता है। किस तरीके से देता है ये हमें ये वाली सर्किटरी से पता चलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बेसिकली तीन फेज दिखाई दे रही है, MP, GP। MP है क्या, मोटरिंग फेज, और यहाँ पर ये जनरेटिंग फेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें सिंगल फेज दिखाई दे रही है, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमें सिंगल फेज दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये आउटपुट में हमें थ्री फेज दिखाई दे रही है RYB, राइट। यहाँ पर ये जनरेटिंग फेज हमें जो दिखाई दे रही है, जैसे हमने बात किया MP है क्या, जो MP है वो है मोटरिंग फेज, GP है क्या जनरेटिंग फेज, एक जनरेटिंग फेज है, दो मोटरिंग फेज है, राइट। जनरेटिंग फेज में अगर हम लोग देखें EMF इंड्यूस होता है, और ये जो EMF होता है उसको हम लोग ये Y वाले फेज में ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर ये जो R वाली जो फेज है उसमें कुछ इस तरीके से पावर फ्लो रहा है, यहाँ पर ये जो B वाली जो फेज है उसमें कुछ इस तरीके से पावर का फ्लो रहा है। अब ये जो Y वाली जो फेज है इसमें कैसा पावर फ्लो होगा, जनरेटिंग फेज में EMF इंड्यूस होगा, और वो जो EMF होगा वाई वाली फेज में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा अर्नो कन्वर्टर काम करता है। अभी बात करते हैं सिलसेंट ट्रांसफार्मर के बारे में। यहाँ पर ये जो सिलसेंट ट्रांसफार्मर होता है इसे ऑटोसिन भी बोला जाता है और सिंक्रो ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिलसेंट ट्रांसफार्मर होता है इसमें हमें बेसिकली सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो रिसीवर मिलता है, और ये सिंक्रो ट्रांसमीटर और रिसीवर में हमें बेसिकली स्टेटर मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें स्टेटर मिल रहा है S1, यहाँ पर ये S2, यहाँ पर ये S2 और यहाँ पर ये S3, और सिमिलरली यहाँ पर भी स्टेटर S1, S2 और S3, और बीच में हमें क्या मिलेगा, रोटर मिलेगा। और ये जो रोटर होता है सेलिएंट पुल सिंगल फेस होता है, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो सिंक्रो ट्रांसमीटर होता है, सिंक्रो ट्रांसमीटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो रोटेटिंग मशीन है उसका जो रोटेशन होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। बाय सिंक्रो ट्रांसमीटर वी कैन कंट्रोल रोटेशन ऑफ अदर रोटेटिंग मशीन। सिंक्रो ट्रांसमीटर के थ्रू जो रोटेटिंग मशीन है उसका जो रोटेशन होता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, राइट। बाय सिंक्रो ट्रांसमीटर वी आर कंट्रोलिंग सिंक्रो रिसीवर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रो रिसीवर है और यहाँ पर ये सिंक्रो ट्रांसमीटर है। सिंक्रो ट्रांसमीटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सिंक्रो रिसीवर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और जो सिंक्रो रिसीवर होता है, ये सिंक्रो रिसीवर को हम लोग बेसिकली सिंक्रो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर की तरह होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिलसेंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग जो मशीन में जो एरर है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अगर हम लोग देखें जो सिलसेंट ट्रांसफार्मर है इसका क्या यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर की टैप चेंजिंग को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है उसे कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हम लोग बेसिकली सिलसेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिलसेंट ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर कंट्रोलिंग पर्पज ऑफ टैप चेंजर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर होता है उसके कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए हम लोग बेसिकली सिलसेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, राइट। तो जो जैसे कि हमने बात किया जो सिलसेंट ट्रांसफार्मर है इसके थ्रू हम लोग मशीन में एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिलसेंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हम लोग जो रोटेटिंग मशीन है उसको रोटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और सिलसेंट ट्रांसफार्मर के थ्रू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में ट्रांसफार्मर का जो टैप चेंजर है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।